आज सर्दी बहुत है दोस्तों, देखते हैं वेदर ऐप क्या कहती है। ये कहती है 2 डिग्री सेल्सियस और अनहेल्दी एयर क्वालिटी। सर्दी आते ही न्यूज चैनल्स पर पर्यावरण की बातें शुरू हो जाती है, PM 2.5 जैसी टर्म्स का जिक्र होने लगता है, लोग सड़कों पर तरह तरह के मास्क पहने दिखने लगते हैं। इस वर्ष एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स या EPI, जिसमें 180 देशों की रैंकिंग की जाती है, उसमें भारत को 180 में से 177 रैंक दिया गया, जो कि 2014 में 144 था। साथ में भारत के कुछ शहर जैसे कि दिल्ली कानपुर को दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड या प्रदूषित शहर की खिताब मिला। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 में से 1 इंसान की मौत वायु प्रदूषण की वजह से होती है। ये वायु प्रदूषण क्या है, आपको मास्क खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर आप इन प्रदूषित शहरों में से किसी एक शहर के निवासी है तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण और पॉल्यूशन मास्क के बारे में। पॉल्यूशन मास्क के बारे में समझने से पहले पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को समझना ज़रूरी है। वायु प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों या फैक्ट्रियों की वजह से नहीं होता, बल्कि कुछ प्राकृतिक कारण जैसे पोलन ग्रेन्स यानी पराग के दाने और धूल भी प्रदूषण के लिए बड़ा कारण है। वायु प्रदूषण को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पहला गैसियस तथा दूसरा पर्टिकुलेट मैटर। गैसियस प्रदूषण में आती है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस, जो कि काफ़ी हल्की होती है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में बादलों तक भी पहुंच जाती है, जिस वजह से कई बार एसिड रेन हो जाती है। उदाहरण के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड बादलों के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो बारिश के साथ नीचे आ जाती है, जिसे एसिड रेन भी कहा जाता है। वायु प्रदूषण की दूसरी कैटेगरी है पर्टिकुलेट मैटर। ये पर्टिकुलेट मैटर 2 प्रकार का होता है, TSPM और दूसरा सेटलेबल पर्टिकुलेट मैटर। पहला TSPM यानी कि टोटल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जो कि हवा में सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है और हवा के साथ हमारे लंग्स में भी घुस जाता है। ये वो पार्टिकल या कण होते हैं जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से कम होता है, जिसे लिखा जाता है PM10 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 10 माइक्रोमीटर। अगर उन पार्टिकल्स का साइज 2.5 माइक्रोमीटर है तो उसे कहा जाएगा PM 2.5। ये PM 2.5 से कम साइज के पार्टिकल सबसे खतरनाक होते हैं। वैसे तो PM 100 से कम के पार्टिकल्स हमारी सांसों के साथ लंग्स में घुस जाते हैं, लेकिन PM 10 से कम हमारे लंग्स को नुकसान कर सकते हैं। PM 2.5 से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में भी घुस जाते हैं, और हम जानते हैं ज़्यादातर बीमारियों का कारण हमारे ब्लड के कंपोजिशन का गड़बड़ होना ही होता है। दूसरी पर्टिकुलेट मैटर की कैटेगरी होती है सेटलेबल पर्टिकुलेट मैटर। ये काफ़ी भारी होता है, इसका साइज़ लगभग 10 माइक्रोमीटर से ऊपर होता है। इस वजह से इसका वज़न भी ज़्यादा होता है और ये अपने भार की वजह से ज़मीन पे गिर जाता है और इंसानों के लिए थोड़ा कम खतरनाक होता है, लेकिन जब तक वो हवा तो वो कुछ एलर्जीज का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं पॉल्यूशन मास्क के बारे में। एक मास्क या आपके घर का जो फिल्टर होता है वो कुछ सिमिलर तरीके से काम करता है। पहले एक छननी का काम, जो कि ये पर्टिकुलेट मैटर है, उसको बाहर ही छान लेता है। जिस फिल्टर में छिद्रों का साइज़ जितना छोटा होगा वो उतने छोटे पार्टिकल्स को छान लेगा, जैसे कि PM 2.5 साइज़ के पार्टिकल्स को भी छान सकता है। दूसरा, मास्क में एक फिल्टर में कुछ रिएक्टेंट्स लगाए जाते हैं जो कि ज़्यादा हार्मफुल गैसेज होती है उनको थोड़े कम हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट करती है। दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको मास्क लेना कौन सा है। कुछ लोग सर्जिकल मास्क खरीद लेते हैं। सर्जिकल मास्क में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है उसमें? पहले उसमें प्रॉपर फिट नहीं होता, जो स्पेस खुली होती है साइड से उससे हवा एंटर करती है और पॉल्यूटेंट्स भी अंदर एंटर करते हैं और हमारे लंग्स में घुस सकते हैं। दूसरा, उसमें कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते जो कि ज़्यादा हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करें। तीसरा, उसमें पोर साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जो कि PM 2.5 या PM 0.1 के पार्टिकल्स को प्योरीफाई नहीं कर सकते। देयरफॉर इसका मतलब सर्जिकल मास्क का कोई फ़ायदा नहीं। अब बात करते हैं कि कौन सा मास्क आपके लिए ठीक है। US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ द्वारा पॉल्यूशन कंट्रोल के मास्क स्टैंडर्डाइज किए गए हैं। ये है N95, N97, N100, R95, R97, R100। N95 मतलब वो 95% हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रोक देता है। सिमिलरली N97 97% को रोकता है और N100 100% को रोकता है। R95, R97 साथ में ऑयल रेजिस्टेंट भी होते हैं, जो कि नॉर्मल यूज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपके लिए N95 भी काफ़ी है। सो, आप किसी भी मेडिकल शॉप पर जाके N95 मास्क खरीद सकते हैं, आप उसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। कुछ मास्क सिर्फ 15-20 दिन यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं। कुछ जो महंगे हैं उन्हें आप 2-3 साल तक भी यूज़ कर सकते हो।
पर नोट करें, मास्क का फिट ज़रूरी है। जब आप उसको पहनो तो वो आपके माउथ और नोज़ वाले एरिया को अच्छे से कवर करे ताकि कोई भी लीकेज ना हो। घर को पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए आप घर में एक एयर प्योरीफायर भी लगा सकते हो, और सबको अपने घरों में कुछ एयर प्योरीफायर प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए, जैसे कि एरेका पाम, स्नेक प्लांट, स्पाइडर ग्रास, एलोवेरा एंड डायफिनबैकिया। ये सब फेंगशुई प्लांट्स कैटेगरी में भी आते हैं जिनका घर में रखना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, पीस।